तो इस गणतंत्र दिवस पर देश और दुनिया ने भारतीय वायुसेना की वायु शक्ति देखेगा, लेकिन जिस पराक्रमी उड़ान ने चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान करेगा वो है रफाल की उड़ान। पहली बार गणतंत्र दिवस पर भारत के सबसे घातक लड़ाकू विमान रफाल फ्लाई पास्ट करेंगे और रफाल की इस उड़ान से इस्लामाबाद और बीजिंग में जरूर हलचल। एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में दो रफाल फाइटर जेट होंगे, एक रफाल एकलव्य फॉर्मेशन में दिखाई देगा और दूसरा रफाल फ्लाई पास्ट के अंत में ब्रह्मास्त्र फॉर्मेशन बनाएगा। मल्टी रोल फाइटर जेट रफाल इंडियन एयरफोर्स में सितंबर 2020 में शामिल हुआ। एयरफोर्स में अब तक 8 रफाल शामिल हो चुके हैं। फ्लाई पास्ट में शामिल होने वाले 42 एयरक्राफ्ट में से 15 फाइटर एयरक्राफ्ट, 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 17 हेलीकॉप्टर, 1 विंटेज और 4 आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर होंगे। रफाल के साथ साथ सुखोई 30, मिग 29 और जगुआर की दहाड़ भी राजपथ पर सुनाई देगी। गणतंत्र दिवस पर दुनिया देखेगी रफाल का दम। छब्बीस जनवरी पर देखेगा भारतीय वायुसेना के पराक्रम का ट्रेलर। जब विश्व के सबसे घातक 42 लड़ाकू विमानों की गर्जना से आसमान गूंज उठेगा, ये गर्जना एलएसी और एलओसी के उस पार भी सुनाई पड़ेगी। गणतंत्र दिवस पर परेड की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार सबसे खास बात है गणतंत्र दिवस पर रफाल का एयरपास्ट, जिसे देखने के लिए पूरा देश बेताब है। इस बार की परेड में भारतीय वायुसेना के 38 एयरक्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर भी अपना दम दिखाएंगे, जिनमें 15 फाइटर्स, 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 21 हेलीकॉप्टर का पराक्रम देश देखेगा। इस गणतंत्र दिवस पर जोश दोगुना है, क्योंकि राजपथ पर रफाल की पहली उड़ान है और साथ ही भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के 50 साल भी पूरे हो गए हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण विजय जयंती के मौके पर रुद्र फॉर्मेशन में 1 डेक्यूटा एयरक्राफ्ट, 2 मिग भी उड़ान भरेंगे। इस बार अगर आप देखें तो फॉर्मेशंस काफी सारे हैं, जिनमें कुछ कुछ फॉर्मेशंस पहली बार देखेंगी। एक यूनिक फॉर्मेशन यह रहेगा, 1 डकोटा विमान के साथ 2 हेलीकॉप्टर्स रहेंगे, ये एक अनोखा फॉर्मेशन होगा। इसके सिवाय हमारा जो रक्षक फॉर्मेशन है वो राजपथ पे पहली बार दिखेगा, जिसमें 1 Mi-35 हेलीकॉप्टर और 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स होंगे। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड की फॉर्मेशन में रुद्र, सुदर्शन, रक्षक, एकलव्य और ब्रह्मास्त्र को जगह दी गई है। फ्लाई पास्ट का पूरा कार्यक्रम 2 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसका पहला चरण सुबह 10:04 से लेकर 10:20 तक चलेगा। दूसरा चरण परेड के बाद 11:20 पर शुरू होगा और 11:45 तक चलेगा। गरुड़ा फॉर्मेशन, जिसमें 1 C-17 विमान, 2 MiG-29 और 2 Su-30 होंगे, ये भी पहली बार राजपथ पे देखा जाएगा। एकलव्य फॉर्मेशन, जिसमें 1 रफाल, 2 जगुआर और 2 MiG-29 है, ये भी पहली बार देखा जाएगा। और आपने जैसे ऑलरेडी कह दिया है, रफाल जो आएगा लास्ट में आके डायस के अभी माके जो वर्टिकल चाली मनोवर करेगा, वो भी राजपथ पे पहली बार देखा जाएगा। इस पूरे फ्लाई पास में सबसे खास रफाल की उड़ान होगी, जो इस पूरे शो का शो स्टॉपर बनेगा। भारत ने पिछले साल ही 5 रफाल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे हैं और इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरी दुनिया दिल्ली से भारतीय वायुसेना का दम देखेगी। जाहिर सी बात है, जिस रफाल विमान को एशिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान माना जा रहा है, उसकी पहुंच एलएसी से एलओसी तक कुछ ही सेकंड की है, जो चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।
तो इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में इंडियन एयरफोर्स की झांकी में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, रोहिणी रडार, आकाश मिसाइल और सुखोई 30 दिखाई दी। इस बार राजपथ पर भारतीय वायुसेना आत्मनिर्भर भारत की झांकी पेश करेगी। वायुसेना की झांकी में 3 एयरक्राफ्ट डिस्प्ले किए गए हैं, एक तेजस, एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एक ब्रह्मोस। इनमें से तेजस और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये दोनों ही भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा, भारतीय कंपनियों द्वारा डेवलप किए गए और यहीं पर उनका उत्पादन किया जा रहा है। तेजस में रुद्रम मिसाइल लगी हुई दिखाई जाएगी। रुद्रम भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि दुश्मन के एयर डिफेंस को बर्बाद करने के लिए लगाई गई है। उसके पीछे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है और अब भारतीय वायुसेना में उसको शामिल करने की तैयारियां चल रही हैं। उसमें ध्रुवास्त्र नाम की एक मिसाइल लगी है जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये भी भारत में डेवलप की गई है। उसके नीचे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी भारत का डेवलप किया हुआ है। रोहिणी रडार है, ये भी भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार किया। उसके पीछे सुखोई भारतीय वायुसेना का फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगी दिखाई जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल को भी भारत में ही डेवलप किया गया और भारतीय वैज्ञानिकों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल को बड़ी मेहनत से, कई सालों की मेहनत के बाद सुखोई में इसको फिट करने में कामयाबी हासिल की। इस तरह भारतीय वायुसेना राजपथ पर जो झांकी प्रस्तुत करेगी वो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की झांकी है। हम पूरे देश के साथ मिले हुए हैं, जो आज जो हमारा देश का अभी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, उसी कदम को देखते हुए हमने आत्मनिर्भर वायुसेना के बारे में सोचा और उसके तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की झांकी है रक्षा के क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की, कैसा महसूस कर रहे हैं उसके साथ राजपथ पर निकलते हुए? बहुत ही गौरव की बात है और ये लोगों को प्रेरित भी करेगा कि और अच्छा काम करें अपने देश के लिए। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा होंगे। बिहार की रहने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ एयरफोर्स के उस पहले बैच का हिस्सा है जिसमें भावना सहित 3 महिला फाइटर पायलट शामिल हुई। भावना MiG-21 बाइजन उड़ाती है। आत्मनिर्भर भारत की झांकी तो है ही, साथ में इनके साथ एक ऐसी महिला अफसर है जो भारतीय वायुसेना की पहली लड़ाकू विमान चलाने वाली, उड़ाने वाली जो पायलट्स थी उस टीम में थी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ। आप आत्मनिर्भर भारत की उसमें और साथ में आप इंडियन एयरफोर्स की पहली फाइटर पायलट जो विमन थी उन 3 में से एक हैं। राजपथ पर आप चल रही हैं, पहली महिला लड़ाकू विमान उड़ाने वाली आप हैं, कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त, ये क्षण कैसा लगता है? ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जिस रिपब्लिक डे को हम बचपन से टीवी पे देखते आ रहे हैं, आज खुद उसमें पार्ट लेने का मौका मिल रहा है, तो आई थिंक इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं। ये जो एयरक्राफ्ट है तेजस और सुखोई, इन दोनों को आप कभी उड़ाना चाहेंगी? आप लड़ाकू विमान उड़ाती हैं? मेरा बस चले तो मैं सारे लड़ाकू विमान उड़ाना चाहूँगी। अभी कौन कौन से विमान उड़ा चुकी हैं? अभी मैं MiG-21 बाइसन उड़ा रही हूँ प्रेजेंटली। तो अगर भविष्य में आपको तेजस या सुखोई में या रफाल में को उड़ाने का मौका मिले तो आपको कॉन्फिडेंस है आप वो कर लेंगी? मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं, इनफैक्ट कॉन्फिडेंस से ज़्यादा मेरा सौभाग्य होगा इन विमानों को उड़ाना। और अगर राजपथ के ऊपर जो वर्टिकल चार्ली रफाल करेगा या इससे पहले सुखोई करता था, वो कभी आप करना चाहती हैं? आपके दिल में है कि वर्टिकल चार्ली कभी करें? सिर्फ वर्टिकल चार्ली क्यों, सारे मनोवर्स करने का राजपथ के ऊपर। बिल्कुल। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.